एसबीएस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ के दौलसफा स्थित बी ब्लॉक में भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी की सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रही श्रीमती चंद्रा रावल ने कहा कि नोटबंद से स्पष्ट हो रहा है कि सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टियों पूर्ण रूपेण काला धन पोषित है। सबसे अधिक काला धन इन्हीं पार्टियों के पास है। 3 जून 2013 को भारत के सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करना स्पष्ट बताता है कि चुनाव में काले पैसे का भरपूर उपयोग होता है। भोली भाली जनता को गुमराह कर वोट के लिए जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए अशुभ है। 5 राज्यों के चुनाव में इन पार्टियों द्वारा सत्ताधारी पार्टी को नोटबंदी का असर अशुभ है। कड़वा होता है, लेकिन उसको बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, सत्य को बहुत लड़ना पड़ता है जी, है ना। तो वो जो है उनके कार्यों से, उनके काम करने के ढंग से, उनके जो समाज के प्रति उनकी जवाबदेही से, उनकी पारदर्शिता से, उनके अकाउंटेबिलिटी से, उससे हम बहुत प्रभावित हुए, है ना। उसको जाना 84 से हम उनके संपर्क में थे कि धरने में बैठ रहे, क्या कहना आपको उसमें रह के, मतलब आप शासन में रह करके शासन की कुरीतियों के खिलाफ वो बैठते थे धरने में। कितना बड़ा साहस किया होगा उन्होंने, एक ब्यूरोक्रेट जो है अपने ही उसके अंदर जो चल रही है गड़बड़ियाँ उसके खिलाफ बैठता है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने। और दूसरी चीज़ उनकी ये थी कि इतने कौन ऐसे शासनिक अधिकारी हैं जो कि सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग नहीं करते हैं या करते हैं, या तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो कि साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।